त्रिपुरा से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। त्रिपुरा पुलिस ने खुवाई जिले के नमन जायपारा के मिट्टी के नीचे दबाए गए एक शव को बरामद किया है। संदेह जताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की भी भीड़ ने ही हत्या कर दी होगी और बाद में इसके शव को मिट्टी में दबा दिया होगा। सूत्रों की माने तो इस व्यक्ति की भी मौत 20 जून को घटी मॉब लिंचिंग की घटना में हुई होगी। इसके साथ ही मॉब लिंचिंग की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। बता दें कि गत 20 जून को जिले के 2 अलग अलग मॉब लिंचिंग घटनाओं में 3 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। मवेशी चोरी के संदेह में भीड़ ने इन लोगों को पीट पीट कर मार डाला। 20 जून को भीड़ ने एक वाहन में 5 मवेशियों को अगरतला की ओर ले जाते हुए देखा। इस दौरान लोगों ने वाहन का पीछा किया और उसमें सवार लोगों को वाहन से घसीट कर इस तरह पीटा कि उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता रहे इस वक्त की एक बड़ी खबर, त्रिपुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। त्रिपुरा पुलिस ने खुवाई जिले के नमन जायपारा से मिट्टी के नीचे दबाए गए शव को बरामद किया है। संदेह जताया जा रहा है कि इस व्यक्ति की भी भीड़ ने ही हत्या कर दी होगी और बाद में इसके शव को मिट्टी में दबा दिया होगा। सूत्रों की माने तो इस व्यक्ति की भी मौत 20 जून को घटी मॉब लिंचिंग की घटना में हुई होगी। साथ ही मॉब लिंचिंग की घटना में मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 4 हो गई है। बता दें कि गत 20 जून को जिले के 2 अलग अलग मॉब लिंचिंग घटनाओं में 3 लोगों की भीड़ ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। मवेशी चोरी के संदेह में भीड़ ने इन लोगों को पीट पीट कर मार डाला। 20 जून को भीड़ ने एक वाहन में 5 मवेशियों को अगरतला की ओर ले जाते देखा। इस दौरान लोगों ने वाहन का पीछा किया और उसमें सवार लोगों को वाहन से घसीट कर इस तरह पीटा कि उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में पुलिस ने अब तक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। যে ত্রয়ে হত্যাকাণ্ড কল্যাণপুর পিএসআর আন্ডারে দুজন মার্ডার হয়েছে, আরেকটা মার্ডার হয়েছে সেটা মুঙ্গিয়া কামির আন্ডারে। এই কল্যাণপুরে কেস রেজিস্টার হয়েছে যে দুইজন মার্ডারের জন্য, এবং এই মার্ডারের যে আসামি আজকে আমরা একজনকে অ্যারেস্ট করেছি, যার নাম হচ্ছে রিপন দেববর্মা, বাবার নাম রামানন্দ দেববর্মা, বাড়ি হচ্ছে উত্তর মহারানী। না, এই কেস এখনও তদন্ত চলছে, তদন্ত ক্রমে যদি আরও ইনভলভ থাকে।